अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। मक्की मदनी परफ्यूम पे फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ एक न्यू एनर्जेटिक सी, मूविंग सी और स्पिरिचुअल सी वीडियो लेके। आई थिंक कैप्शन से आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो है, हाउ टू अप्लाई इट। और लॉट ऑफ पीपल जिनके पास परफ्यूम या परफ्यूम ऑयल की इतनी ज्यादा कलेक्शन है बट दे इवन डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट, आज वो ही आपके सामने शेयर करें। काफी लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन करते हैं भाई कि इसकी ड्यूरेशन नहीं है, और दूसरा पर्सन जो हमारा दूसरा क्लाइंट है वो भाई कह रहा है जी कि इसकी ड्यूरेशन 48 आवर्स से अबव है। हाउ? सेम प्रोडक्ट, सेम ऑयल, सेम क्वालिटी, एवरीथिंग इज सेम बट कस्टमर फीडबैक डिफरेंट है कि इसकी लॉन्गिविटी कैसे बेटर रखे, किस मेथड से इसको अप्लाई किया जाए, प्रोजेक्शन कैसे बेटर होगी, आपके कपड़ों पर कितनी देर स्टे कर पाएगी यही फ्रेग्रेंस जो किसी के एक मिनट रहती है और किसी के 24, क्योंकि उनके लगाने पे प्रोसेस जो है उनका अप्लाई करने पे वेयर करने में डिफर है। सो मैं आपको एक छोटे से प्रोसेस बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी ऑयल को लगाएं बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी लगाएं, पूरी बोतल को अप्लाई मत कीजिए यूं करके, बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी आप यूज कीजिए। द मेन थिंग इज कि आप जहाँ पे उसको अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आप पहले मॉइस्चराइज कीजिए किसी लोशन के साथ या अदर। स्किन सेंसिटिव है या नहीं है ये मैटर नहीं कर रहा, आप पहले स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए, किसी लोशन के साथ कर सकते हैं या क्लीन हैंड कर लीजिए, हैंड वॉश कीजिए जहाँ पे भी आप अप्लाई करें। एंड द सेकंड थिंग, जब आप इतर को लगाते हैं या परफ्यूम ऑयल को लगाते हैं जस्ट डैब इट, इतना रब मत कीजिए यूं कि यहीं पे उसकी हर चीज़ प्रोजेक्शन क्वालिटी यहीं पे दब जाए, आपने ऐसा नहीं करना। और इसको वेयर कर लीजिए, आप कपड़ों पे लगा रहे हैं या अपने पल्स पॉइंट पे लगा रहे हैं। थर्ड वन, आप जब इसको डैब करते हैं उसके बाद आपने इनको लगाना उन पॉइंट्स पे जहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो, पल्स पॉइंट हो, जैसे कि ये हैं आपकी रिस्ट पे, दोनों रिस्ट या ये चार हिस्से ऐसे हैं, ये पल्स पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट करता है, तो आप इनको यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए बिहाइंड द नेक, रिस्ट पे लगाइए, बस आई थिंक इट्स इनफ। यहाँ पे अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपके जो पल्स पॉइंट हैं वो ही इनफ है। ये जस्ट आप सिंपल सा मेथड अप्लाई कीजिए, लॉन्ग लास्टिंग इसकी ज़बरदस्त होगी, कंप्लेन नहीं होगी, हल्की से हल्की भी भाई क्वालिटी लेंगे। आपके अप्लाई करने पर डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे लॉन्ग लास्टर रखना, प्रोजेक्शन कैसे रखनी। अब आप रिस्ट पे लगाएंगे तो ऑब्वियसली जब आप किसी को हग करेंगे यहाँ से फ्रेग्रेंस उसको फील होगी, और जब आप अपने हैंड मूव करेंगे तो फ्रेग्रेंस उस तक पहुँचेगी। आप कपड़ों पे भी अप्लाई कीजिए, इस तर्ज से लगाइए कि कपड़ों पे निशान ना पड़े, डायरेक्टली आप अप्लाई मत कीजिए, इसको जस्ट डैब कीजिए, सिंपल रब करें एंड अप्लाई इट, बस ये इनफ है। वेल, यही छोटा सा प्रोसेस है जो लोगों को नहीं पता। नॉर्मली उनके पास क्वालिटी और क्वान्टिटी और कलेक्शन इतनी ज़्यादा है कि उनको पता ही नहीं है भाई के फ्रेग्रेंस, वो जस्ट यूं पुश कर लेते हैं परफ्यूम्स को या इतर को, डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। वेल गाइज, ये आज की छोटी सी वीडियो थी जो आपके सामने नॉलेजेबल वीडियो थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर गाइज चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है क्योंकि हमारा लास्ट अकाउंट कुछ वॉयलेशन की वजह से बैन कर दिया गया, आई डोंट नो क्या रीज़न है, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो जनाब इतना पुराना अकाउंट बैन कर दिया गया, नए अकाउंट पे जाएं और उसको फॉलो कर दें, फेसबुक पेज है वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस आपके सामने लेके आएंगे, रिव्यूज लेके आने वाले हैं, सो वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।